आजकल आपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं ये वीडियो जरूर देखा होगा, जिसमें दो पत्थर इंडिया लाया गया, एक हफ्ते में 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके इनको नेपाल से उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लाया गया। इन पत्थरों को सालिग्राम शिला बोलते हैं। आखिर इनमें ऐसा खास क्या है? ये दोनों सालिग्राम शिला अयोध्या में राम मंदिर में श्री राम और जानकी की प्रतिमा बनाने में यूज होंगे, जिसमें से एक 31 टन का है और वही दूसरा 15 टन का है। बताया जा रहा है कि ये पत्थर 6 करोड़ साल पहले के हैं, तब के एग्जिस्ट करते हैं जब हिमालय का नामो निशान तक नहीं था। ये फॉसिल्स ऑफ एमोनाइट्स हैं। उस टाइम पे धरती का 85% से ज्यादा ओशियन था। सालिग्राम पत्थर बहुत ही रेयर होते हैं। ये दुनिया भर में सिर्फ एक ही जगह पे मिलते हैं, वो भी नेपाल में। नेपाल में धैलगिरी के पास काली गंडकी बेसिन है। नेपाल में उस नदी को सालिग्रामी नदी बोलते हैं और इंडिया में आते ही उस नदी को नारायणी नदी बोलते हैं। ये नदी गंगा में बाद में मिल जाती है। इंडिया में इसे गंडकी नदी भी बोलते हैं और सालिग्राम शिला नेपाल के काली गंडकी नदी में ही पाया जाता है। सालिग्राम पत्थर को हिंदू लोग बहुत पवित्र मानते हैं। इस पत्थर की इम्पोर्टेंस पुराणों में, उपनिषदों में और भी बहुत जगह मेंशनड है। इस पत्थर को हिंदू बहुत ही पवित्र मानते हैं। जो भी इस पत्थर को अपने घर में रखता है वो इसकी डेली पूजा करता है। और सालिग्राम पत्थर को वैष्णविज्म से भी रिलेट करते हैं। माना जाता है कि इसमें विष्णु भगवान का वास होता है और इसी चीज से रिलेट करके इसी से राम भगवान की मूर्ति बनेगी। सालिग्राम पत्थर बहुत ही स्ट्रांग होता है। इससे बहुत सारी इंडियन मूर्तियां और भी बनी हुई हैं, जैसे कि उडुपी कृष्णा मठ में वृंदावन की राधा रमन की मूर्ति, पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम में भी, और शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित बद्रीनाथ में बद्रीनाथ जी की मूर्ति भी इसी सालिग्राम पत्थर से बनाई गई है। सालिग्राम पत्थर को भगवान विष्णु के रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ इसे गुड लक और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल माना जाता है। अब बात करते हैं आखिर ये मूर्ति बनाएगा कौन। राम वंजी सुतार, ये 98 ईयर्स के एक स्कल्पचर हैं। इन्होंने बहुत सी मूर्तियां अब तक डिजाइन की हुई हैं, जैसे कि बहुत ही फेमस स्टैचू ऑफ यूनिटी और संसद भवन में महात्मा गांधी की स्टैचू भी इन्होंने ही बनाई है।